अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइज़ आप सब लोग। मुझे डिगियाना तक जाना है, तो अभी मैं जाऊंगा डिगियाना। सिटी वाले रास्ते से जाऊंगा और नरवाल वाले रास्ते से आऊंगा। शानू को ले रहा था साथ में, शानू आया नहीं तो अब अकेले ही जाता हूँ। लेट्स गो। अभी हूँ मैं सनशाइन के पास सिदरा में। आज ये मौसम थोड़ा ठंडा जैसा मौसम है, अभी धूप भी नहीं है। मैं थोड़ा लेट ही निकला हूँ, आज सुबह जल्दी नहीं निकला था, तो मुझे जाना है डिगियाना तक। तो मैं यहाँ से डिगियाना जाऊँगा और वहाँ से फिर मैं नरवाल वाले रास्ते से आऊँगा। तो देखते हैं क्या सीन होता है, आज कैसे है। नहीं निकला हूँ अभी सनशाइन के पास। ओ बाप रे, घोड़े अचानक ही आ गए सामने। तो गेट बन रहा है यहाँ पे, ये जो ठंडी सड़क है जो सिदरा पुल से पंचीती की तरफ जो रोड जाता है वहीं पे गेट बन रहा है। बहुत अच्छा गेट बनेगा, जैसे गांधीनगर में आप शास्त्री नगर वाली साइड जाते हो तो गेट बना हुआ दिख जाता है, सेम वैसे गेट यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा। इस रोड का नाम ठंडी सड़क रखा हुआ है, तो लेकिन है भी बहुत ठंडी है। मतलब गर्मियों में भी आप आओगे तो इस रोड पर आपको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। बाकी हवा चलती रहती है, पेड़ है अच्छे हैं, साइड में है तवी के किनारे है, तो उसके कारण ठंडा रहता है यहाँ पे। उस्ताद मोहल्ले वाली जामा मस्जिद आपको दिख रही होगी सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे कच्ची छावनी वाली साइड से ही जाता हूँ, ठीक है। काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही है म्यूनसिपलिटी के अंदर भी। जो ये चौक वगैरह बने होते थे तो अभी ये स्टील में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले लोहे के होते थे तो अभी स्टेनलेस स्टील में सारा कन्वर्ट हो रहा है। स्टेनलेस स्टील और लोहे में बड़ा फ़र्क है, फॉरएवर रहता है स्टेनलेस। बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया मौसम, ना गर्मी का मौसम ना सर्दी का मौसम, और राइडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप कम कपड़े पहनो कोई दिक्कत नहीं, और ना कम कपड़े पहनने की ज़रूरत ना ज़्यादा कपड़े पहनने, नॉर्मल एक कपड़ा पहना हो आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी जम्मू में, ऐसा मौसम रहे तो जम्मू से कोई बंदा निकले ही ना। ट्रैफिक में भी बहुत फ़र्क पड़ गया हुआ है, सर्दियों में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं वहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं जम्मू में। श्रीनगर साइड हो गई, कश्मीर और ये डोडा किश्तवाड़ अपना रामबन बनिहाल पुंछ रजौरी, सारा जो ट्रैफिक जाम रहता है वो जम्मू में ही रहता ज़्यादा था। यहाँ पे ये जो मार्केट सामने दिख रही है ये फास्ट फूड की मार्केट है, बहुत तगड़ी मार्केट है ये, बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है। पर कोविड में ना ये भी बेचारे तकरीबन ख़त्म ही हो गया हुआ है। अभी आपको कहीं पर 5-6 की दुकान आपको ये दिखेगी, पहले ये पूरा बड़ा रहता था। और शाम के टाइम ना खासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी कस्टमर्स की,
तो फास्ट फूड के नाम से जान ही जाती थी ये वाली मार्केट। तो अभी कोविड के बाद बहुत दिक्कत, हर किसी को कोविड में मुझे लगता है बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो अभी कुछ लोग पटरी पे आ चुके हैं, उतने नहीं आए हैं बट थोड़ा बहुत चल रहा है सर का, जैसे मार्केट पहले होती थी कोविड से पहले वैसा अभी उतना देखा नहीं अभी तक। सामने आरसपुरा वाला रोड, हम जा रहे हैं डिगियाना रोड, हमें आरसपुरा नहीं जाना है, हम जाएंगे डिगियाना। डिगियाना से भी आगे गंग्याल और कुंजवानी से मैं वापस आऊँगा टू नेशनल हाईवे 44। एक छोटा सा राउंड है आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं। कार्ड कंपनी वाले हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बेचारे यार, डिलीवरी जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सर्दी में भी घूमते हैं, गर्मी में भी घूमते हैं, ठंड में भी, बारिश में भी, और पूरे दिन भर काम करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने काम में। तो हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, कोई भी काम करने वाला हो जरूरी नहीं है कि डिलीवरी बॉय, इसके अलावा कोई भी हो मतलब जो मेहनत का काम करे हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग अब समाज में रह के हुए हैं जो मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत से अपना टाइम पास कर रहे हैं बहुत कम लोग रह चुके हैं अपने समाज में। बाकी आजकल सिस्टम ऐसा बन गया हो कि कोई ना कोई किसी ना किसी के डाउन देखने के लिए सही लग रहा है, हर कोई दूसरे के डाउन चीज़ों को अवॉइड करके हमें मेहनत वालों को आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि समाज में बहुत ज़्यादा तरक्की हो और समाज आगे बढ़े करके बढ़े। तो मुझे अभी फिलहाल यहीं तक जाना है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाऊँ उसके बाद मैं निकलता हूँ आगे के लिए। मैं रुका था थोड़ी देर यहाँ पे गाइस, तो अभी मैं निकल चुका हूँ, मैं हूँ कुंजवानी बाईपास। कुंजवानी बाईपास में हूँ, यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा आगे जाता है दिल्ली, जलंधर, पंजाब, हरियाणा, वहाँ हमने नहीं जाना है आज, आज हमारी दौड़ है टोटल एंड टोटल कुंजवानी से। गाइस छन्नी हिम्मत वाला रेलवे फाटक निकल गई होगी क्या पता।